हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ हरे प्याज के पकौड़े। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज के पकौड़े बनाना। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने एक कटोरी हरा प्याज लिया है, एक कटोरी बेसन लिया है और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया। अगर आपके पास में चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी ऐड कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्याज के पकौड़े बनाना। बेसन ले लेती हूँ, चावल का आटा, कुटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, चुटकी भर हींग, थोड़ी सी अजवाइन, धनिया पत्ता थोड़ी सी ले रही हूँ, नमक स्वादानुसार, अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा पानी डाल लेती हूँ पहले ताकि बैटर हमारा अच्छी तरह से बन जाए, फिर आखिर में प्याज डालूंगी और थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, सूखा सूखा सा है। बैटर हमारा तैयार हो गया, अब इसमें प्याज भाजी डाल रही हूँ जो हमने प्याज को काट के रखा था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हमने बैटर तैयार कर लिया है, अब इसे फ्राई कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, मैं पकौड़े इसमें डाल लेती हूँ। प्याज के पकौड़े में एक साइड से पलट देती हूँ। ये देखिए हमने पलट लिया पकौड़े को एक साइड से और हो जाएगा, फिर निकाल लूंगी। प्याज के पकौड़े हमारे अच्छी तरह से पल गया, मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जो बचे हुए बैटर है उसका भी पकौड़े में बना लेती हूँ। हरे प्याज के पकौड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप चटनी या सॉस के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।